हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से कृति सैनन और प्रभास की शादी की खबरें नेट पर गर्दिश कर रही हैं। क्या वो वाकई शादी करने जा रहे हैं? उनकी लव स्टोरी क्या है? आज की वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलती रहें। कृति सैनन रिसेंटली मिमी मूवी से फारिग हुई हैं। उनकी ये मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। अब वो दूसरी मूवी की शूटिंग में बिजी हैं जिसका नाम है आदि पुरुष। इस मूवी में प्रभास कृति के अपोजिट काम कर रहे हैं जबकि विलेन का काम सैफ अली खान कर रहे हैं। इस मूवी के स्टार्ट पे कृति सैनन का इंटरव्यू हुआ जिसमें कृति सैनन से क्वेश्चन किया गया है कि अगर आपने फ्लर्ट करना हो, शादी करनी हो या डेट करनी हो, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। आपने बताना है कि किसके साथ आप क्या करना चाहेंगी। नंबर एक कार्तिक आर्यन, नंबर दो टाइगर शरूफ और नंबर तीन प्रभास। इनमें से किसके साथ आपने शादी करनी है, किसके साथ आपने डेट करनी है, किसके साथ आपने फ्लर्ट करना है? तो कृति ने कहा कि कार्तिक आर्यन के साथ मैं फ्लर्ट करूंगी और टाइगर शरूफ को मैं डेट करूंगी और प्रभास के साथ शादी करूंगी। ये एक जनरल क्वेश्चन था बट ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इसके बाद कृति और प्रभास की शादी की खबरें नेट पर गर्दिश कर रही हैं और इस कपल को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। और तो और वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है वो अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हों, अपने काम की वजह से वो एक साथ दिखाई देते हों, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दोनों में फ्रेंडशिप हो गई हो। उनके फैंस उनको एक साथ देखना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, वो उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और साथ ही ये भी विश कर रहे हैं कि ये ऑफ स्क्रीन कपल भी बन जाए। बट आप कृति और प्रभास के कपल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई इनको शादी कर लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।